नमस्कार दोस्तों, अर्ली उड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, फर्स्ट में वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। यहाँ दिख रहा है आपको 29,599 का, इनमें से जो भी लेते हैं आपको उनमें एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों। आप थंबनेल को एक्सप्लेन कर दे, थंबनेल में आप लोगों ने देखा मॉरेटोरियम को क्या है क्वेश्चन मार्क है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है क्वेश्चन मार्क है, ये सब कैसे होते हैं, यानी मॉरेटोरियम कैसे होता है, कैसे लेते हैं और रीस्ट्रक्चरिंग कैसे लेते हैं। यदि आपने लोन वगैरह लिया है, क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया है, अब आपको मालूम है बैंक व एनबीएफसी वगैरह लोन देने वाला है, मॉरेटोरियम देने वाला है नहीं। जैसा कि कल भी आरबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये सब बताया, जो मॉरेटोरियम अब एक्सटेंशन होने की संभावना नहीं है, जो पहले मिला था अब यदि चाहिए तो वो आपको नए सिरे से आपको करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जानेंगे यही सारी चीज़ें। अर्लीवुड ने हम लोगों ने आपके लिए दो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ। ये देखिए, पहला डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा मॉरेटोरियम का, ये वाला, दूसरा है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यही जानेंगे जो आखिर मॉरेटोरियम क्या है, क्या मॉरेटोरियम केवल बैंक वगैरह का यदि लोन वगैरह चल रहा है तो केवल वही लोग ले सकता है, या मॉरेटोरियम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्या बैंकों के लिए एप्लीकेबल है मॉरेटोरियम, या कोई भी सर्विसेज पे आप मॉरेटोरियम लगा सकते हैं। तो ये इस वीडियो को बने रहिए और काफ़ी काम की जानकारी बता रहे हैं आप लोगों को, जो आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। ठीक है, सबसे पहले मॉरेटोरियम को ओपन करते हैं। देखिए ये क्या है, यानी मॉरेटोरियम क्या है, ये देखो मॉरेटोरियम अर्लीवुड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हमने आज के डेट में क्रिएट किया। देखो व्हाट इज़ मॉरेटोरियम, यानी मॉरेटोरियम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, यानी कैम्ब्रिज जो काफ़ी वर्ल्ड का काफ़ी लीडिंग डिक्शनरी है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी फॉर एग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज मॉरेटोरियम। यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रियाकलाप जिसको आप एक्टिविटी फॉर एग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ एग्रीड जितने टाइम के लिए आप रोकना चाहते हो, उसको स्टॉप करना चाहते हो, ठीक है, यानी एक लाइन में समझ लो स्टॉपिंग ऑफ एन एक्टिविटी फॉर एग्रीड अमाउंट ऑफ टाइम। यहां पर दो चीज इन्वॉल्व हो गए, क्या इन्वॉल्व हो गया, एक इन्वॉल्व हो गया टाइम, इन्वॉल्व हो गया, दूसरा इन्वॉल्व क्या हो गया दोस्तों, एक्टिविटी स्टॉपिंग, स्टॉप करना, ठीक है, स्टॉप। तो दो किसको स्टॉप, किसी चीज को हम कितने टाइम के लिए एक्टिविटी स्टॉप करेंगे और वो हो जाएगा मॉरेटोरियम पीरियड, कितने टाइम के लिए उसको स्टॉप करेंगे। और एक्टिविटी, एक्टिविटी में कुछ भी काउंट कर सकते हैं, सपोज करो आपका कोई, आपने किसी को कोई सर्विस बेचा है, ठीक है, तो भी आप उसको उस सर्विस पर मॉरेटोरियम दे सकते हैं, जो देखो जी आपको, आपने इतना अमाउंट पे किया है। सपोज करो आपने किसी को एक वेबसाइट सर्विस बेचा, ठीक है, उसका कीमत था 10,000 रुपया, 10,000 में से उन्होंने आपको 5,000 रुपया दिया और 5,000 आप पेंडिंग है, तो 5,000 रुपया जो दे दिया वो तो आपका पेड हो गया वो, अब बाकी क्या है 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 5,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इस 5,000 रुपया को उसको आप एग्रीड कुछ टाइम के लिए उसको राहत दे दीजिए और जितने टाइम के लिए आप बोलेंगे इतने टाइम तक आपको पे कर देना, तो वो हो जाएगा उसका मॉरेटोरियम पीरियड हो जाएगा। और वो यानी क्या है, आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी सर्विसेज पर, किसी भी एक्टिविटी के लिए आप उसको मॉरेटोरियम लगा सकते हैं। आप ये बात मत बोलना, ये बात मत समझना जो केवल मॉरेटोरियम सिर्फ बैंक वालों पर ही अप्लीकेबल है, बैंक या लोन वगैरह पर, ये किसी भी एक्टिविटी पर अप्लीकेबल है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को आप पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टॉप करेंगे तो वो मॉरेटोरियम हो जाएगा एक्टिविटी को, ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों, हम रीस्ट्रक्चरिंग को खोलते हैं। ये देखिए रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है, हमने ये आज की डेट में ही बनाया हुआ आपके लिए, जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो आखिर थंबनेल में हमने क्या बताया था आपको, ये सब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है और रीस्ट्रक्चरिंग कैसे लेते हैं, हाउ एग्जैक्टली इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग वर्क, हाउ एग्जैक्टली इज़ द लोन रीस्ट्रक्चर, मतलब क्या है, जो लोन एग्जैक्टली रीस्ट्रक्चर्ड होता कैसे है, बहुत से लोग कन्फ्यू को मालूम नहीं है, ठीक है, हमने पहले भी बताया था लेकिन वो दूसरे तरीके से बताया था, आखिर लोन रीस्ट्रक्चर होता कैसे है, तो इसमें जानिए। देखो लोन रीस्ट्रक्चर का मीनिंग तो आपको मालूम है, दोबारा से उसको बनाना, ठीक है, और लोन क्या है, यानी आपने कहीं से क्रेडिट सर्विस लिया है, तो अब ये कैसे होगा दोबारा, ठीक है, दोबारा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ये देखो ये कई तरह से हो सकता है, या तो आप रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा लीजिए, ये वाला क्या है रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा लीजिए आप, या रिपेबल अमाउंट यानी जो अमाउंट आप पे करते हैं रिपेबल अमाउंट, ठीक है, इसको आप दोबारा से फिक्स कर लीजिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, सपोज करो किसी का 5 साल के लिए लोन लिया है तो उसका कितना इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, 5 साल के लिए लिया है तो 5 साल यानी 60 इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। अब जब रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बैंक वाला आपको उस पर कंसेशन दे दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, रिपेबल अमाउंट को कम कर दे, और रीपेमेंट पीरियड यानी जो जितना अमाउंट जितना टाइम तक आपको, सपोज करो 4-5 साल का लोन है और उसको वो बढ़ा के 6 साल कर देगा, ये हो गया रीपेमेंट पीरियड, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद एडिशनल लोन, आपको जो पुराना वाला लोन है उसको पे करने के लिए आपको बैंक एडिशनल लोन भी दे सकता है, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्रेडिट बिहेवियर क्रेडिट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ऐसे ही रीस्ट्रक्चर होता है। दूसरा क्या है, देयर कुड इवन बी कंप्रोमाइज सेटलमेंट यानी कुछ लोन है जिस पर आप सेटलमेंट भी कर सकते हो, बैंकों के साथ मिलकर बैंकों से बात करके कंप्रोमाइज सेटलमेंट, ये भी एक रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। लेकिन ये सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट हमारे अकॉर्डिंग ये एक सही विकल्प नहीं है, ठीक है। सेटलमेंट मत कराना किसी चीज़ का, अदरवाइज इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्लियर है। वेयर टाइम फॉर पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अमाउंट एक्सीड 3 मंथ्स, समझ गए बात को। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली आपने क्या देख लिया इसमें, यानी आपने ये देखा जो यदि आपको लोन को रीस्ट्रक्चर कराने हैं तो आप इसी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग होती है और यही तरीका है रीस्ट्रक्चर कराने का। अब यदि आपको बैंक से एग्जैक्टली मोरेटोरियम नहीं मिलता है तो RBI की जो पॉलिसी है लोन रीस्ट्रक्चरिंग का COVID-19 रिजोल्यूशन पैकेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब उसके लिए तो हमने आपको अर्लीवुड पर वीडियो भी बताया हुआ है, ठीक है, तो आप चाहो तो जा सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, यदि वो सारी चीज़ बताने लगेंगे ना या तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर भी करना, थैंक यू दोस्तों।